वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ खुशबू सिंह। आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ विंटर कलेक्शंस, जो कि ऐसे वेदर के लिए है जिसमें ना तो ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्मी। मतलब अभी का टाइम में ऐसा चल रहा है कि आप धूप में बैठ जाओ तो स्किन पूरे जलने ही लगेंगे, और छांव में बैठ जाओ तो बस बहुत ही ज्यादा ठंड लगे। तो ऐसे में क्या पहने, किस टाइप से खुद को स्टाइल करें, ये सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सॉल्व करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अमेजोन पे 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है द ग्रेट मेगा फैशन डेज, जिसमें कि आपको आपके फेवरेट ब्यूटी और फैशन रिलेटेड ब्रांड्स में 70% का ऑफ मिलने वाला है। साथ ही साथ 10% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा उन लोगों को जो कि है प्राइम कस्टमर। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि अभी वेदर का क्या हाल चल रहा है, मतलब ठंड जो है वो अभी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम ना बहुत ज्यादा ठंड लगता है, दिन का टाइम अगर हम देखें तो उसमें स्किन जला देने वाली ना गर्मी होती है। तो ऐसे वेदर से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी आउटफिट में शामिल कर सकते हो इस टाइप की जैकेट। ये जैकेट की फैब्रिक जो है कॉटन की है, जो कि काफी स्किन फ्रेंडली है और ऐसे वेदर के लिए भी बिल्कुल सूटेबल है। तो सामने से देखने पे कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे क्लियर हो ही जा रही है, इसका लुक किस टाइप का है और कैप भी एड है। अंदर की साइड से ना ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ये देख सकते हो फुल्ली वुलन है। इस टाइप के जैकेट्स आपके फॉर्मल लुक के साथ भी ऐड हो जाते हैं, कैजुअल लुक के साथ भी ऐड हो जाते हैं। अगर मान लो आपको मॉर्निंग इवनिंग वॉक के ड्रेस के साथ आपको कुछ वुलन टाइप का ऐड करना है तो आप उसमें इस टाइप के जैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑफिस जाने वाले हो और उसमें आपको अगर कुछ चीज वुलन वेयर करना है तो काफी हल्की फुल्की चीज में आप ऐसे जैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपको ना तो ज्यादा मतलब ठंड महसूस करने देगा और ना ही ज्यादा आपको ना गर्मी फील कराएगा, क्योंकि काफी लाइट वेट है। तो या इस टाइप के वेदर के लिए काफी परफेक्ट रहेगा। अभी के टाइम को देखते हुए ना ऐसे मौसम में बिल्कुल भी ज्यादा कपड़ों की लेयर पहनने का मन नहीं करता है। इसमें आपको ना सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगा आपके वुलन टॉप्स की हेल्प से। वुलन टॉप जो होता है उसको वेयर करने के लिए आपको सिर्फ आपके इनर की जरूरत है। आप डायरेक्ट अपने इनर वेयर करो, उसके ऊपर से आप अपना वुलन टॉप वेयर कर सकते हो, दैट्स इट, आपका लुक कंप्लीट। तो मैंने अपने विंटर कलेक्शन के लिस्ट में ऐसे ही नेक्स्ट आउटफिट रखा है। तो मैं बात कर रही हूँ इस टर्टल नेक की लॉन्ग स्लीव वाली स्वेटर स्टाइल टॉप की। वैसे तो पिक्चर जब आप मैंने इसकी देखी थी ना, तो पिक्चर में मुझे काफी मतलब उस टाइप का हाईनेक टाइप का लग रहा था जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है, जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे ये रिसीव हुआ है ना और इसको टच करने के बाद, इसको मतलब इसकी हर एक चीज अपने आंखों से देखने के बाद ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। मतलब काफी स्ट्रेचेबल है, बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग फैब्रिक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत ही आसानी से ब्रीथ कर पाओगे। मतलब कुछ कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जिसको पहन करना बस ऐसा लगता है ना कि पूरा का पूरा बॉडी ही बिल्कुल अकड़ सा गया है। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा, बहुत फ्री महसूस करोगे आप। और ऐसा भी नहीं है कि इसको वेयर करने के बाद ना कुछ अच्छे लुक के लिए या फिर इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ अलग से वेयर करने की जरूरत है। इसमें जो इसका नेक लाइन के पास जो ये डिजाइन है ना, ये इस लुक को बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहा है। और इसमें आपको अलग से चीजें ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, यही केवल एक काफी है। इसके नीचे आप कुछ भी वेस्टर्न वाली बॉटम वियर पहन लो और उसके बाद आपका लुक कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट। तो मैंने इसमें एस साइज मंगवाया है, इसमें अलग अलग साइजेस आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये एस साइज आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रेची है। ये जो टॉप है इसकी फैब्रिक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो अंदर में वियर किया हुआ है वो सामने की तरफ एक्सपोज हो। नेक्स्ट मेरी कलेक्शन का पार्ट ये एक वी नेक वाला स्वेटर है। इसकी रीजन ना मतलब बहुत ही खास है। ये एक नीटे टेक्निक से बनी है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन काफी स्मूथ एंड फाइन है। और ये ना काफी ज्यादा लाइट वेट है। अगेन इसको वेयर करने के लिए आपको अंदर की तरफ कोई टॉप वेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अपना इनर वेयर करके डायरेक्टली इसको वेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसकी फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट थिन और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका जो फैब्रिक है वो वुलन एक्रिलिक सिमर ब्लेंडेड यार्न है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ना थोड़ी बहुत सिल्वर कलर की चमक आपको दिख रही होगी। तो ये जो चमक है ना, इसमें ऐसा नहीं कि अलग से पार्टिकल्स ऐड किए गए हैं, ये इसी के मतलब जो इसका फैब्रिक है वो उसी में ही ऐड। तो इसमें मेरा साइज मीडियम है, आपको भी आपके अलग अलग साइज के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो ये जो स्वेटर है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंटली अपने इनर वियर के ऊपर भी वियर कर सकते हो। तो ये स्वेटर यू शेप की है, आप आसानी से अपने डेनिम जींस के ऊपर इसको वियर कर सकते हो, या फिर अगर आपका डेनिम स्कर्ट है आप उसके ऊपर भी वियर कर सकते हो, काफी स्टाइलिश लुक देगा। इस टाइप के स्वेटर्स आपको स्टाइलिश लुक देने के साथ साथ वार्म रखने में भी हेल्प करती हैं, और लेंथ भी इसकी काफी अच्छी है। तो इन करके वियर करना चाहो तो वैसे पहन लो, या आउट करना चाहो तो वैसे उस टाइप से भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑफिस गोइंग लोगों का भी ध्यान रखा है, जो मेरा नेक्स्ट आउटफिट है उनके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। ये है चेक ब्राउन का स्वेटर, और इस टाइप का स्वेटर लेने का मन ना मेरा बहुत टाइम से ही था, क्योंकि इस टाइप का स्वेटर मैंने बॉलीवुड के सीरीज में देखा था। तो ये मुझे इस टाइप के वेदर के लिए भी काफी बेस्ट लगा, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, काफी सॉफ्ट है।
तो ऐसे स्वेटर्स आपकी प्रोफेशनल लुक को, आपकी प्रोफेशनल आउटफिट या ड्रेस कोड को काफी स्टाइलिश लुक देने में हेल्प करती है। हम बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें तो क्लियर हो ही जा रही। तो बहुत ही अट्रैक्टिव खूबसूरत से कलर, वैसे कलर वैरायटीज तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें, आपको साइजेस भी अलग अलग मिल जाएंगे। मेरा यहाँ पे साइज मीडियम है। इस टाइप के स्वेटर जो होते हैं ना वो स्किनी फिट अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इसमें हल्का सा लूज ही लेना, आपका जो साइज है उससे हल्का सा बड़ा ही साइज लेना, तो काफी अच्छा लगेगा ये आपके ऊपर। तो इतने सारे टॉप वेयर के साथ एक बॉटम वेयर भी होना बहुत जरूरी है, वरना फिर इतने सारे टॉप्स हम पहनेंगे किसके साथ। अगर आपके पास ना कोई अच्छी सी बॉटम वेयर नहीं है, या फिर अगर आपको आइडिया नहीं है किस टाइप की बॉटम वेयर लेनी चाहिए, तो मेरी तरफ से आपको एक ही एडवाइस रहेगी कि आप चाहे किसी भी टाइप की फिटिंग वाली जींस लो, चाहे वो फैला हुआ रहे या बोट लेग वाला रहे, तो आप उसमें ना एक चीज ध्यान रखना कि वो हाई वेस्ट है या नहीं। हाई वेस्ट जो रहता है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है इन कंपैरिजन टू लो वेस्ट और मीडियम वेस्ट। बॉटम वेयर के लिए मैंने मिस चेस का ये जींस लिया है, इसकी भी जो वेस्ट है ना वो हाई वेस्ट ही है। देखो जो लो वेस्ट और मीडियम वेस्ट की जो होती है ना उसमें बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैंने जब से हाई वेस्ट की जींस वेयर करना शुरू किया है ना उसके बाद से लो वेस्ट और मीडियम वेस्ट की तरफ तो मैंने कभी पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा, मतलब उनसे इतना नफरत हो गया ना, ये मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मेरे जींस का जो यहाँ पे साइज है वो 32 का कमर, तो हाई वेस्ट की जो जींस होती है ना वो आपके काफी बॉडी पार्ट को कवर करने की कोशिश करती है, और इतना ही नहीं इसका जो ये वाला पार्ट है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है उठने बैठने में ना। जो लो वेस्ट और मीडियम वेस्ट का जो ये पॉइंट होता है ना वो काफी अनकंफर्टेबल होता है, और मतलब पूछो मत। अगर आप एक लेडी हो ना, आपने अगर हाई वेस्ट जींस पहली बार पहना होगा तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील हुआ होगा, ये चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आई गेस। तो ये जो जींस है मेरी वो है ब्रांड मिस चेस की, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है इस टाइप की ही जींस जिसमें कि मतलब ज्यादा तामझाम ना रहे, बहुत ही सिंपल शोअर लुक रहे, जिसके ऊपर कोई सा भी टॉप आसानी से चला जाए। देखो मुझे ना ऐसे कटिंग वटिंग वाले भी जींस चले हुए हैं अभी, बट उस टाइप की जींस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए ना मैं इस टाइप की ही जींस पहनती हूँ जो कि उन लोगों को भी पसंद है और मैं भी काफी कंफर्टेबल। इस टाइप की अगर स्किनी फिट वाली आप जींस लेते हो ना, तो हमेशा एक चीज आप ध्यान देना कि वो आपके साइज का होना चाहिए, आपकी हेल्थ जिस टाइप की है उस टाइप का आपका स्किनी फिट जींस होना चाहिए। अगर मान लो आपने अगर काफी टाइट फिटिंग जींस इस टाइप की पहन लिया ना, तो आप उसमें ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे, आपके पैरों पे निशान पड़ जाएंगे, खून जमने के रेडनेस हो जाएंगे, तो या बहुत अनकंफर्टेबल होता है, तो थोड़ी बहुत आप इस चीज पे ध्यान देना। और इस टाइप की जींस अगर आप खरीदते हो ना, तो थोड़ा आप अपने हेल्थ साइज पे ध्यान देना और उसी के अकॉर्डिंग आप परचेस करना, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी, लॉन्ग टाइम तक आप वेयर नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कहीं ट्रेन से आप जा रहे हो ना, तो वहां पे आप कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। देखो अगर आपको मतलब इस टाइप के स्किनी फिट वाले जींस पसंद नहीं है, तो आप अभी जो बोट नेक वाली, वाइड लेग वाली, फ्लेयर्ड लेग वाली जो अभी जींस चली हुई है वो भी ऑप्शन में है, तो वो काफी बेटर होता है। लेकिन इस टाइप का जो जींस रहता है ना वो आपके प्रोफेशनल लुक में, या फिर आपकी कोई भी कैजुअल लुक ही क्यों ना हो, कहीं घूमने जाना हो, इस टाइप में ना बहुत अट्रैक्टिव सा एक टच ऐड करता है। तो नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्लू कलर का जैकेट लिया है। इसकी डेनिम जैकेट लेने का जो मेरा मेन रीजन है वो है अभी आने वाली गर्मियां, तो गर्मी में इतना ज्यादा मतलब स्किन इरिटेट हो जाती है ना कि स्किन में रेडनेस, टैनिंग जैसे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो आप उसको डील करने के लिए ना अपने आउटफिट के साथ इस टाइप का डेनिम जैकेट वेयर कर सकते हो, जिसमें कि मतलब ज्यादा आपको गर्मी भी ना लगे, काफी लाइट वेट भी रहे, और उसमें आप काफी कंफर्टेबल भी फील करो, और जो स्किन टैनिंग होने की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी आप आराम से डील कर सको। तो या इस टाइप के डेनिम के साथ स्टाइल करना किसी भी आउटफिट को बहुत ईजी है, आप इंस्टेंटली अपने किसी भी आउटफिट को ना अपने किसी भी टाइप के ओकेजन, पार्टीज या फंक्शन के लिए रेडी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एक अच्छे से फुटवेयर की। जब आप फुटवेयर खरीदते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं? बहुत ही कंफर्टेबल रहे, चलने फिरने में आसानी रहे, और हम इसको अपनी कैजुअल या फिर अपनी फॉर्मल टाइप के किसी भी लुक के साथ आसानी से ऐड कर लें। साथ ही साथ वो बहुत बजट फ्रेंडली होना चाहिए, क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक के लिए चल पाए। फुटवेयर लेने से पहले अगर ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में आती है ना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्पार्क्स की ये शूज। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, प्लस बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे, तो बहुत ही कंफर्टेबली आप वेयर कर पाओगे इसको लॉन्ग टाइम के लिए, कहीं भी कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी आउटफिट के साथ आप इसको मैच कर सकते हो। तो इस टाइप के शूज का इस्तेमाल आप अपने मॉर्निंग वॉक से लेकर इवनिंग वॉक तक कर सकते हो, और साथ ही साथ दिन भर में आपका जितना भी काम होता है घर से बाहर जाकर करने वाला, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा झंझट नहीं है, रिबन्स वगैरह नहीं है। जो हील्स वाले शूज होते हैं ना उसको मतलब घंटे, कुछ घंटे भर पहनने के लिए ठीक रहता है,
ऐसे शूज में ना, अगर आप काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए वॉक करते हो तो एडियो में दर्द होना शुरू हो जाता है, एडियो से बढ़ता हुआ दर्द ना कमर तक पहुंच जाता है, तो हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए इस टाइप के फुटवेयर के। तो इनके प्राइस भी ज्यादा नहीं है, अंडर बजट है। वैसे तो मुझे व्हाइट कलर पसंद है शूज में, इसलिए मैंने व्हाइट कलर लिया है। वैसे इसमें आपको बहुत ही अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। सो या दैट्स इट, ये सारे थे मेरे विंटर कलेक्शंस के प्रोडक्ट्स। और अगर आपको इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी प्रोडक्ट पसंद आती है, आपको परचेज करना है, तो उन सभी के डिटेल्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप जैसे इस वीडियो के नीचे की डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हो, वहां पे हर एक प्रोडक्ट्स के नेम के आगे उनका परचेज लिंक है। जैसे आप उस पर टैप करोगे ना, तो आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के परचेज ऑप्शन के पास पहुंच जाओगे, तो वहां से आप प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को हिट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।